बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आपकी दर्सी किताब का सबक नंबर 19, जिसका उनवान है बेटी, और ये एक ड्रामा है, इसका हिस्सा अव्वल हम का मुताला कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हिस्सा दुआ का मुताला करने जा रहे हैं। इसके मुसन्निफ है फेरोज़ रशीद। तो आइए बिना किसी ताखीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के पीरियड में हमने हिस्सा अव्वल में देखा था कि जो नजमा है साजिद के बीवी, उसको उसके घर के लोग, उसके सास ज़ाहिरा बेगम और साजिद किस तरह उसको मजबूर करते हैं और बार बार कहते हैं कि तुम दवा खाने में चलो, और फिर वो बहुत मायूस हो जाती है, रोती है। और जो लड़की ड्रामे में जो लड़की बताई गई है वो अभी यानी पैदा नहीं हुई, लेकिन वो एक रिवायती लड़की बताई गई है, एक ड्रामा है। तो वो लड़की भी बहुत मायूस हो जाती है और फिर वो गीत आसमान की तरफ देखते हुए वो लड़की एक गीत गाती है कि बेरहम हो गया ये जहाँ, कोई हमदर्द मेरा नहीं, उनको अब खौफ तेरा नहीं, हर तरफ है अंधेरा यहाँ और कहीं भी सवेरा नहीं, और आंसुओं की मेरे अब नहीं कोई कीमत यहाँ। तो लड़की भी ये गीत गाती है। और फिर यहाँ तक हमने पढ़ा था, भाई उसके आगे का सबक शुरू करते हैं। इसार अहमद, अरे भाई चाय तैयार हो तो ले आओ। इसार अहमद अखबार की सुर्खियाँ देखने लगते हैं। ज़ाहिरा बेगम चाय लाकर उनके सामने वाले छोटे टेबल पर रख देती है और ख़ुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठकर पान बनाने लगती है। ज़ाहिरा बेगम कहती है, हज़ार हाँ कहाँ है कि निहार पेट चाय पीना अच्छी आदत नहीं है, मादा कमज़ोर हो जाता है, मगर आप मेरी बात। इसार अहमद अखबार दिखाते हुए कहते हैं, ये सुर्खी पढ़ो। तो ज़ाहिरा बेगम अखबार की सुर्खी पढ़ते हुए, बिहाता को ससुरालियों ने जहर खिला दिया, या अल्लाह कहाँ का वाकया ये। इसरार अहमद कहते हैं, अपने शहर का, वो जो मेरा दोस्त है ना दिलेर खान, उसकी बेटी है। ज़ाहिरा बेगम कहती है, खुदाया खैर वो शमसुल निसा। इसरार अहमद कहते हैं, हाँ वही, शुक्र है बर वक्त इलाज से जान बच गई। ज़ाहिरा बेगम कहती है, हुआ क्या था। तो इसार अहमद चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहते हैं, शमसुल निसा के ससुराल वाले बड़े दिनों से तकाजा कर रहे थे कि शमसुल निसा मैके से 50,000 रुपये लाए। शमसुल निसा ने दिलेर खान को ये बात बताई भी थी, मगर दिलेर खां कहाँ से देता, जायदाद तो बेटों ने ज़बरदस्ती अपने नाम लिखवा ली, दो वक्त की रोटी के लाले हैं, 50,000 कहाँ से देता। ज़ाहिरा बेगम पान देती है। इसरार अहमद पान का बेटा चबाने लगते हैं। ज़ाहिरा बेगम कहती है, अल्लाह रहम करे उन लोगों पर जिनकी बेटियाँ हैं। बेटी क्या हुई, मुसीबत हो गई, पढ़ाओ लिखाओ, परेशानियाँ उठाकर शादी करो, फिर शादी के बाद ये झमेला। इसरार अहमद कहते, हाँ बेगम दिलेर खान की बेटी का ये हाल हुआ, तुम्हारे चचाजाद भाई अमजद हुसैन की बेटी को ससुराल वालों ने मारपीट करके घर से निकाल दिया, हमारे पड़ोस की ज़ेबा खानम को बांझ का इल्ज़ाम लगाकर उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली, माँ बाप बेचारे खून के घूंट पीकर रह जाते हैं, क्योंकि बेटी की गृहस्थी का सवाल है। ज़ाहिरा बेगम कहती है, सच कहते हैं आप, इधर बेटी पैदा हुई उधर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। इसरार अहमद और ज़ाहिरा बेगम दोनों की बातचीत जारी है। उनकी हरकत दिखाई देते हैं लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। लड़की बोलने लगती है। लड़की कहती है, मुसीबत है आपका समाज, मुसीबत है आपके बेजा रस्म रिवाज, जहेज की लानत किसने पैदा की, शादी को एक मसला किसने बनाया, बेटी के साथ दूसरे दर्जे का बर्ताव करना किसके जहन की पैदावार है। लड़की खामोश हो जाती है। ज़ाहिरा बेगम और इसरार अहमद की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इसरार अहमद मायनी खेज अंदाज में कहते हैं, बहू राज़ी हुई कि नहीं।
ज़ायरा बेगम कहती है, हमारी मर्ज़ी के आगे वो कौन होती है अपनी मर्ज़ी चलाने वाली। हमें हमारे घर का चिराग जलाने वाला चाहिए, बेटा होगा तो हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी, बेटी दूसरों के घर चली जाएगी, हमें बेटा चाहिए बेटी नहीं। साजिद अंदरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। इसरार अहमद कहते हैं, पूरी एहतियात और राजदारी से ये काम होना चाहिए। साजिद कहता है, आप फिक्र ना करें, काम आसानी से हो जाएगा। इसरार अहमद और ज़ायरा बेगम अंदर चले जाते हैं। साजिद अखबार लेकर पढ़ने लगता है, कॉल बेल बजने की आवाज़ आती है। साजिद बैरूनी दरवाजे की तरफ मुंह करके, कौन है? आवाज़ आती है, यार मैं हूँ जाहिद अली। साजिद कहता है, अरे जाहिद तुम हो, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। साजिद का दोस्त जाहिद अली अंदर आता है। जाहिद अली कहता है, तुम्हारे ऑफिस का चपरासी मेरे पड़ोस में रहता है, तब उसने बताया है कि तुम आज रुख्सत पर हो, यानी छुट्टी पर हो। मुझे तशवीश हुई कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं, इसलिए यहाँ चला आया। साजिद कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिद अली कहता है, फिर रुख्सती क्यों ली, छुट्टी क्यों ली? साजिद कहता है, बात यह है जाहिद, अम्मी अब्बू को और ख़ुद मुझे भी बेटे की बड़ी ख्वाहिश है। जाहिद अली कहता है, फिर? तो साजिद कहता है, फिर ये कि नजमा हामला है, डॉक्टरी मुआयने से पता चला है कि उसके पेट में लड़की है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर लड़की पैदा हो, इसलिए हम आज नजमा का हमल साकित करवा रहे हैं। तो जाहिद अली कहते हैं, सवालिया लहजे में जाहिद अली कहते हैं, नजमा इसके लिए तैयार है? तो साजिद अली कहते हैं, हम सबकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के सामने उसने भी हथियार डाल दिए है। जाहिद अली कुर्सी से टेक लगाते हुए कहते हैं, लेकिन ये तो गुनाह है, ना मज़हब इसकी इजाज़त देता है और ना कानून, ये सरासर कत्ल है, बेटी का, इंसानियत का। तुम सब कातिल कहलाओगे, तुम, तुम्हारे घर वाले और वो डॉक्टर भी जो इस काम में तुम्हारी मदद कर रहा है। अपने ही हाथों अपनी बेटी को कत्ल करने के इरादे से बाज आ जाओ। साजिद झिझलाते हुए कहता है, तुम समझने की कोशिश करो, हमें हमारे ख़ानदान को चलाने वाला चाहिए, हमें हमारे बुढ़ापे की लाठी चाहिए, जिसके सहारे मैं और नजमा अपने बुढ़ापे के दिन आराम से बसर कर सके। नजमा को भी मैंने समझा दिया है और गालिबन उसका जहन मेरी बात कबूल कर चुका है। जाहिद अली कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जो तुम ऐसे भयानक गुनाह के मुर्तकब हो रहे हो। साजिद कहता है, नहीं जाहिद, आज ज़माने के हालात देखो, जिसके घर बेटी होती है उसके दिल से पूछो, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी शादी का मसला, शादी के बाद उस पर होने वाले मजालिम का मसला, कलेजा कांप जाता है इन सब मसाइल के बारे में सोचकर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। जाहिद अली कहते हैं, दरअसल तुम फरार चाहते हो अपने फराइज से, अपनी जिम्मेदारी से। तुम्हारे अंदर का आदमी बीमार हो चुका है। मैं फिर कहता हूँ कि यह बहुत ही गलत काम है जो तुम करने जा रहे हो, एक घिनौना जुर्म। बाज आ जाओ दोस्त, इस जुर्म से बाज आ जाओ। साजिद कहता है, यार तुम कुछ भी कहो, मेरा फैसला अटल है। साजिद और जाहिद की बातचीत जारी रहती है। उनकी हरकत दिखाई देती है लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। लड़की की आवाज़ गूंजने लगती है। लड़की रोते हुए कहती है, पप्पा मुझे कत्ल होने से बचा लीजिए, मुझे कत्ल मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ पप्पा, आपकी गोद में खेलना चाहती हूँ, आपके आंगन में बाहर लाना चाहती हूँ, आपसे इतना प्यार करूँगी कि आप ज़िंदगी के सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, मैं आपके लिए रहमत हूँ पप्पा, जहमत नहीं, मेरे अच्छे पप्पा, मैं आपका नाम रोशन करूँगी, तालीम में, खेल में, सियासत में, तिजारत में, ज़मीन पर, खला में, हर जगह मैं आपको नज़र आऊँगी। आप देखिए तो सही,
आप तो देखते ही नहीं। लड़की हिचकियाँ लेती हुई चुप हो जाती है। साजिद और जाहिद की आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगती है। जाहिद अली समझाते हुए कहते हैं, देखो साजिद, नजमा ने अगर तुम्हारी बात मान भी ली होगी तो तुम्हारे दबाव में आकर उसका दिल रो रहा होगा। उसके जज्बात और एहसासात तुम्हारी जीत के आग में झुलस गए होंगे। अब भी वक्त है, नजमा की ममता का खून मत करो। साजिद कहता है, नजमा मेरी बीवी है, शोहर का हुक्म मानना उसका फ़र्ज़ है, मुझे बेटा चाहिए, सिर्फ बेटा और बस बेटा। कॉल बेल बजती है। कौन है? आवाज़ आती है, मैं हूँ दिलेर खान। साजिद उठकर दरवाजे तक जाता है। साजिद दरवाज़ा खोलकर कहता है, चाचा आप आइए आइए। दिलेर खान अंदर दाखिल होता है। साजिद उसको कुर्सी पर बैठने का इशारा करके पूछता है, फरमाइए चाचा। दिलेर खान कहते हैं, इसरार अहमद से मिलना था। साजिद कहता है, अब्बू शायद आराम कर रहे होंगे, ठहरिए मैं देखता हूँ। और साजिद अंदर जाता है। जाहिद अली दिलेर खान से कहते हैं, आज अखबार में आपकी बेटी के ताल्लुक से खबर पड़ी, बड़ा अफसोस हुआ। दिलेर खान कहते हैं, सब तकदीर का खेल है। जाहिद अली कहता है, अच्छा। साजिद अंदर दाखिल होता है और फिर साजिद दिलेर खान से कहता है, अब्बू तो अभी आराम कर रहे हैं, कहिए तो जगा दूँ। दिलेर खान कहते हैं, नहीं नहीं, आराम करने दीजिए, मैं फिर आ जाऊँगा। साजिद कहता है, ठीक है, वैसे चाचा काम क्या था? दिलेर खान कहते हैं, सारा किस्सा तो तुम्हें मालूम ही होगा। तो अजीज़ तलबा तालिबात, ये हिस्सा दुआम यह मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुबह के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।